देखो गाइस एक चीज देखो, वीडियो को इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ देखो एक कहाँ बैठी है दीदी, एक बार आप चेक करो कहाँ पर बैठी, मतलब कितना रिस्की है, चार जने बैठ के जा रहे, कैसे भाई कैसे, मतलब समझते ही नहीं कुछ भी। एक हल्का सा गड्ढा ना, इंडियन रोड पहली बारिश में ज्यादा खराब हो जाती, एक छोटा सा गड्ढा, दीदी गिरी और पी। तो भाइयों मैं हूँ गैसवेलर आयुष और आज अपने साथ खड़ी थी न्यू 2024 वाली हुंडई वेन्यू डीजल। गाइज आज के इस वीडियो में ना इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करने वाले हैं, सारे प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे, जेन्युइन की इस गाड़ी के अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या बुराई हैं। अगर आप 2024 में एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हो और आपने अगर वेन्यू को कंसिडर करके रखा है कि आपको ये गाड़ी लेनी है, तो इसके अंदर आपको ना खामियां भी मिल जाती है और अच्छाइयां भी मिल जाती है। वो खामियां अच्छाइयां क्या है उसकी सारी बातें करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, गोप्रो को माउंट करते हो, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। तो ऑलराइट गाइस अब गाड़ी के अंदर आ चुके, सारी बातें करने वाले हैं, पांच प्रोज और पांच कॉन्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन से स्टार्ट करेंगे इस गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले जो इस कॉन की बात करते हैं वो एक कॉन हो जाता है कि इस गाड़ी के अंदर लैक ऑफ स्पेस मिल जाती है। अगर आप आगे की तरफ बैठे हो, आपके हिसाब से आप सीट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, करते हो, जैसे मैंने एडजस्ट करके रखी, भाई ने अपनी एडजस्ट करके रखी हुई है, तो जो पीछे की सीट हो जाती है जहाँ पर आपके पैसेंजर्स बैठते हो, उसके अंदर ना आपकी गाड़ी के अंदर ना स्पेस बहुत कम मिलता है। मतलब ना अगर आप कंपेयर दूसरी गाड़ियों से करते हो, फॉर एग्जांपल ब्रेजा वगैरह से ही करते हो, तो इस गाड़ी के अंदर जो आपको पीछे की रियर सीट्स हो जाती है ना, उसके अंदर स्पेस नी के बराबर मिलता है, मतलब बहुत कम मिलता है। मतलब अगर चाहो कि अगर पांच जने हट्टे कट्टे बैठ कर जाओ, आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाए गाड़ी के अंदर, अगर आप लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जाओ, तो इस गाड़ी के अंदर ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इस गाड़ी के अंदर इतनी स्पेस है नहीं, मतलब कि एकदम कंफर्टेबली आप चले जाओ लंबी राइड पर, तो आपको अच्छा खासा स्पेस मिले, क्योंकि पीछे ना लेग रूम और साथ ही में अंदर थाई सपोर्ट जो रहता है मेनली, ऐसे मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करके रखी ना, तो उस चीज़ में ना यहाँ पर गाड़ी के अंदर स्पेस कम मिल जाता है। तो पहला कौन ये हो जाता है इस गाड़ी के अंदर की लैक ऑफ स्पेस। अब दूसरी बात करते हैं इस गाड़ी की, जो कि हो जाती है लैक ऑफ मॉडर्न फीचर्स। अब गाइस अगर आप 2024 में कंपेयर करते हो इस गाड़ी को दूसरी गाड़ियों से, फॉर एग्जांपल आपकी टाटा नेक्सॉन हो जाती है, साथ ही में एक्सयूवी 3XO हो जाती है, इस गाड़ी के अंदर फीचर्स सारे मिल जाते ज़रूरतमंद के, लेकिन जो फीचर्स मिलने चाहिए जो आजकल की गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रही है, सबसे पहले बात करें तो आपको 3XO में यहाँ पर मिल जाता है पैनोरामिक सनरूफ, लेकिन इस कार के अंदर आपको ना सनरूफ नॉर्मल वाला मिलता है, उसके टॉप ट्रिम्स पर जाते हो तो एक चीज़ ये हो जाती है कि इसके अंदर आपको ना पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता है। और बात करिए इंफोटेनमेंट वगैरह इन सब की, तो इस गाड़ी के अंदर आपको 8 inches का ही इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। तो गाइस एक चीज़ देखो, वीडियो को इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ देखो एक कहाँ बैठी है दीदी, एक बार आप चेक करो कहाँ पर बैठी, मतलब कितना रिस्की है, चार जने बैठ के जा रहे, कैसे भाई कैसे, मतलब समझते ही नहीं कुछ भी। एक हल्का सा गड्ढा ना, इंडियन रोड पहली बारिश में ज़्यादा खराब हो जाती, एक छोटा सा गड्ढा, दीदी गिरी और पीछे से ट्रक कार कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्यों ऐसे अपनी जान के साथ खेलते हैं। सो जैसे कि मैं बात कर रहा था, पॉइंट पे आते हैं कि जो हो जाता है इसके लैक ऑफ मॉडर्न फीचर। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया, पैनोरामिक सनरूफ इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलता, और अगर आप 3XO या फिर अपनी टाटा नेक्सॉन से कंपेयर करते हो, तो उनके अंदर आपको 12 inches की 10 inches की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर अभी भी आपको 8 inches वाली इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है। दो इसके अंदर आपको चीज़ें मिल जाती है, लेकिन स्टिल इस गाड़ी के अंदर ही चीज़ें मिसिंग हो जाती है। वहीं बात करिए तो आपको यहाँ पे वेंटिलेशन सीट्स भी नहीं मिलती है, अगर आप देखते हो तो टाटा नेक्सॉन और उसके अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, साथ ही में जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ना 360 degree कैमरा, वो भी इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलता है। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का सेकेंड कॉन, जो कि लगता है मुझे कि जो मॉडर्न फीचर्स कार के अंदर होने चाहिए थे वो इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल नहीं है। अब तीसरी बात करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर ना आपको कोई भी ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब वो कैसे नहीं मिलता, अगर आप पर्टिकुलरली डीजल की बात करो तो डीजल के अंदर आपको मैनुअल ही गियर बॉक्स मिलने वाला है। वहीं अगर बात करिए अगर आप नेक्सॉन और साथ ही में XO को देखते हो, 3XO को, तो उसके अंदर आपको ना ऑटोमेटिक मिल जाता है, टॉक कन्वर्टर जैसा भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर आपको कोई भी ऑटोमेटिक नहीं मिलता अगर मैं डीजल की बात करूँ। हाँ अगर मैं पेट्रोल की 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड की बात करूँ, तो उसके अंदर भी आपको कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। आपको DCT आपको मिल जाता है, जो कि टर्बो के अंदर आता है, 1 लीटर वाला इंजन है, तो उसके अंदर आपको 3 सिलेंडर मिलते हैं, तो उसके अंदर आता है। लेकिन जैसे मान लो आपका कंफर्ट, आपको मान लो डीजल है, आपको एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है, अगर आप एक फॉर एग्जांपल दिल्ली NCR वगैरह रहते हो, वहाँ ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर रहता है, तो आपको गियर शिफ्टिंग का हॉटस्पॉट चाहिए ही नहीं, ऑटोमेटिकली गाड़ी गियर चेंज करे, आपको डीजल चलाने की इच्छा है या फिर आपको पेट्रोल चलाने की इच्छा है ऑटोमेटिक के अंदर, तो वेन्यू 2024 मतलब वेन्यू के अंदर ना आपको ये चीज मिसिंग होने वाली है। तो ये तीसरा कौन हो जाता है। अब चौथे कौन की बात करते, तो इस गाड़ी का चौथा कौन हो जाता है, सेफ्टी। देखो बेस वेरिएंट से देखा चला जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है सेफ्टी को लेते हुए, जैसे कि आपको इसके अंदर 6 airbags मिल जाते हैं, TPMA, CSP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है, जो एक मैंडेटरी हर गाड़ी में कर दी है। हुंडई के अंदर आपको चीज़ें मिल जाती है, लेकिन एक जो प्रमाण रहता है ना कि ये गाड़ी को ये प्रमाण मिल के रखा है, फॉर एग्जांपल जैसे रेटिंग, सेफ्टी रेटिंग जो टाटा नेक्सॉन और XUV 3XO को मिल के रखी है, दोनों 5-star rated कार है, उसके अंदर आपको ना
ग्लोबल एनकैप की तरफ से रेटिंग मिल के रखी कि गाड़ी सेफ से हो जाती है ऑडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी के साथ, तो वो इस गाड़ी के अंदर मिसिंग है। नो डाउट गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी, लेकिन जो एक रहता है ना कि आपको प्रमाण मिला गया है यानी कि आपको टैग मिल गया सेफेस्ट कार ऑफ ये वगैरह, तो वो इस गाड़ी के अंदर आपको मिसिंग हो जाता है। तो एक चीज़ मुझे लगती है कि जो सेफ्टी वगैरह को अगर आप कंसर्न लेते हो चलते हो, और अगर आप वेन्यू सोच रहे हो लेने का, तो इस गाड़ी के अंदर ना आपको जो सेफ्टी मिलनी चाहिए, मतलब कि जो एक वो रहना चाहिए कि हाँ कहीं रिटर्न में लिखा हुआ है कि इतनी सेफ्टी मिल जाती है, तो इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलती है। ये इसका चौथा कौन हो जाता है। अब पाँचवें कौन की बात करते हैं, तो पाँचवा कौन इस गाड़ी का हो जाता है, लैक ऑफ इंजन पावर। अब वो कैसे पावर की लैक ऑफ इंजन पावर हो जाती है वो मैं बताता हूँ आपको। तो अगर आप मतलब जैसे डीजल के अंदर तो आपको पावर मिलती है, अभी जैसे मैं सिक्स में के चल रहा हूँ, तो अगर मैं डाउन शिफ्ट करके भी गाड़ी को पुल भी करूँगा ना, तो गाड़ी के अंदर ना ये देखो जैसे किक इन होता है, बहुत भयंकर तरीके से गाड़ी भगती है, 100 तो ऐसे ही पहुँच जाती है। तो डीजल के अंदर तो आपको अच्छी खासी पावर मिल जाती है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के बारे में। देखो अगर आपको पावर चाहिए ना, तो जो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है उसके अंदर ना आपको पावर ज़रा भी नहीं मिलनी है। मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का आपको नेचर पता है कैसा है कि उसको एक्सीलेटर दो और वो रेव करता है, पुल करता है, तो जो फन आता है ना वो उस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा मिसिंग है। नो डाउट 1.2 लीटर का है, लेकिन 4 सिलेंडर भी इंजन है, लेकिन जो पावर रहनी चाहिए, जो आपको फील होना चाहिए एक्सीलेटर दे रहे हो तो कहीं ना कहीं तो नेचुरली एस्पिरेटेड किक इन होना चाहिए, वो उस गाड़ी के अंदर ऐसा फील होता नहीं है। मतलब ना अगर आप ज़्यादा जने को बिठा लो उस गाड़ी के अंदर, मान लो 5 जने आप बैठा लो और फिर एक्सीलेटर दो और गाड़ी के अंदर ना कोई रिस्पॉन्स ही ना रहे, वैसी वाली बात हो जाती है। मतलब उस इंजन से ना पावर जो मिलना चाहिए वो उस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है नहीं। 1.2 लीटर पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ, और फिर आपको वही बात है, अगर पावर चाहिए तो 1 लीटर टर्बो ले लो, फिर टर्बो का एफिशिएंसी भी कम है, और फिर उसको 3 सिलेंडर में वाइब्रेशन भी झेलो, और मतलब दुनिया भर की चीज़ें हो जाती है। तो ये इस गाड़ी का पाँचवा कौन हो जाता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के प्रोस की। तो सबसे पहले प्रोस की बात कर लेते हैं, तो इस गाड़ी के लुक्स हो जाते हैं। गाइस सेगमेंट में आपको ना मतलब जैसे कि बोलते हैं कि जो मिनी क्रेटा दिखती है गाड़ी, तो आपको सेगमेंट में ना बहुत अच्छे लुक्स इस कार के अंदर से मिल जाते हैं। नो डाउट नेक्सॉन भी लोगों बोलते हैं बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन एक जो मिनिमलिस्टिक लुक मिलते हैं ना, एक सदाबहार जो आपको लुक्स मिलते हैं गाड़ी से, वो है ये वेन्यू गाड़ी। इसके अंदर आपको जो लुक्स है ना एकदम सदाबहार से मिल जाते हैं, आगे पीछे हर जगह से आप चेक कर सकते हो। आप क्रेटा से भी कंपेयर करो तो आपको आगे से तो सेम टू सेम वैसी क्रेटा ने मतलब कॉपी करके रखी, जो उसके ग्रिल वगैरह आके रखी, तो सेम वैसा ही हो जाता है। और पीछे से भी आपको कनेक्टिंग टेललाइट्स मिल जाती है, साइड से इसके जो एलॉय व्हील है वो भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत वगैरह आपको आती है नहीं। कोई ऐसा है नहीं कि लुक्स में कोई आपको अजीब गरीब गाड़ी दिखती है। लुक्स के मामले में ना बहुत शानदार सी आपको वेन्यू मिल जाती है। तो ये इसका पहला प्रो हो जाता है। अब दूसरे प्रो की बात करते हैं, तो दूसरा प्रो हो जाता है इस गाड़ी का, जो कि है इंजन। गाइस इंजन इतना रिफाइंड इंजन दे के रखा है ना आपको, 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि ना सेगमेंट में सबसे बेस्ट इंजन हो जाता है। यही इंजन आपकी एल्केजार और क्रेटा के अंदर भी यूज़ करा गया है। क्रेटा 23 लाख रुपए की क्रेटा मैनुअल आती है, उसके अंदर भी मिल जाता है। और एल्केजार भी 25-1 लाख रुपए की कार आती है, जिसके अंदर 1.5 लीटर डीजल इंजन यूज़ करके रखा हुआ है। तो ये इंजन ना इतना बढ़िया आपको रिफाइनमेंट, इतनी बढ़िया आपको एफिशिएंसी, इतनी बढ़िया आपको यहाँ पे पावर दे देता है कि इसको ना बहुत शानदार हो जाता है। जैसे अभी मैं 5th गियर में चल रहा हूँ, डाउन शिफ्ट करा, पुल करा, आपको बता दूँ थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक हो जाए, तो मतलब ना एक बताऊँ, जब तक पुल करने से पहले जो वाइब्रेशन और जो रिफाइनमेंट इस गाड़ी से फील होती है, इस इंजन से, बहुत शानदार सी फील होती है। मतलब ना ज़रा भी ना आपको अंदर की तरफ साउंड नहीं आने वाला है इस गाड़ी के अंदर ना, कि जैसे टाटा नेक्सॉन का डीजल इंजन से आप कंपेयर करो, उसके अंदर ना आपको साउंड ही साउंड आने वाला है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आने वाला है नहीं। अब देखो जैसे मैं पुल कर रहा हूँ 4th गियर में 1800 rpm गाड़ी के अंदर, बस वही है कि पावर किक इन हो रही, मतलब वो तूफान की पहली वाली शांति, और जैसे ही किक इन हुई, ये देखो गाड़ी मतलब पुल करने में कोई भी दिक्कत आती नहीं है। उसको टॉप स्पीड वगैरह किसी पे भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 6th गियर में भी डाल दो, मतलब एक बहुत बढ़िया सी इस गाड़ी के अंदर आपको पावर मिल जाती है। तो ये हो जाता है। और साथ ही में अगर आप रिफाइनमेंट देख रहे हो, तो सेगमेंट में बहुत बढ़िया आपको एक गाड़ी माइलेज भी प्रोवाइड कर देती है। माइलेज की बात करी जाए तो कंपनी इसका क्लेम करती है, 24 का कंपनी क्लेम करती है, और रियल वर्ल्ड में गाड़ी 24 के कैपेबल भी है। मतलब मैं बताऊँ, एक जो बेस रहता है ना गाड़ी का, बेस मतलब कि इतना एफिशिएंसी गाड़ी प्रोवाइड करने वाली है, तो आप ना 19-20 तो लेके चलो किसी भी कंडीशन में। सिटी हाईवे आप सारी चीज़ें में चलाओगे तो आपको ना एफिशिएंसी वो 19-20 मिनिमम देने वाली है। अभी मैं हाईवे पे वीडियो बना रहा हूँ, आप एक बार एवरेज चेक करो, 23.9 किलोमीटर की नई गाड़ी है, 642 किलोमीटर चली हुई है मात्र, 24.1 का एवरेज। मतलब ये जो गाड़ी एफिशिएंसी आपको प्रोवाइड करने वाली है, आप चेक कर सकते हो, मैं बात ही कर रहा हूँ, उसके अंदर भी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया दे रही है। मैं गाड़ी को खींच भी रहा हूँ, मैं गाड़ी को नॉर्मली क्रूज भी कर रहा हूँ, और एफिशिएंसी एक जो चीज़ इस गाड़ी से आपको मिलने वाली है वो बहुत ही शानदार सी मिलने वाली है। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का दूसरा प्रो। अगर आप
देखना चाहते हो कि आपको एफिशिएंसी मिल जाए, रिफाइनमेंट मिल जाए, पावर मिल जाए, तो इस गाड़ी, इस इंजन से 1.5 लीटर CIDI इंजन से अच्छा इंजन आपको मिलने वाला है नहीं। तो ये हो जाता है दूसरा प्रो। अब बात करते हैं इसके तीसरे प्रो की, बात करते हैं वो हो जाता है इस गाड़ी के फीचर। अभी मैंने आपको कॉन्स में बताया कि इस गाड़ी के अंदर लैक ऑफ फीचर्स हो जाते हैं, लेकिन जो बेस वेरियंट से इस गाड़ी के अंदर हुंडई ना जो फीचर्स प्रोवाइड करती है, कोई सी गाड़ी नहीं प्रोवाइड करती। ये बेस वेरियंट है एस प्लस आपको मिल जाता है डीजल के अंदर 12.5 लाख रुपये ऑन रोड इंदौर के अंदर पड़ता है। तो इसके अंदर ना आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। वो क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, यहाँ पे आपको 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, साथ ही में इसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो और कार प्ले वायरलेसली मिल जाते हैं। दूसरी कार में आपको वायर्ड मिलते हैं, लेकिन इस कार के अंदर आपको वायरलेसली मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाते हैं, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। 6 यहाँ पे आपको बेसिक वेरिएंट से एयरबैग्स मिल जाते हैं, ESP, TPMS, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट वगैरह सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती है, तो वो बहुत बढ़िया हो जाती है। और साथ ही में यहाँ पर ना आपको आमरेज भी देके रखा हुआ है, मतलब अगर आप बेस वेरिएंट से देखते हैं कि वो चलते हो, तो आपको आमरेज भी ये गाड़ी प्रोवाइड कर देती है। साथ ही आपको रियर एसी वेंट भी मिल जाते, मतलब ना एक फीचर लोडेड बेस वेरिएंट आपके अंदर आपको मिल जाता है। मतलब इतने फीचर्स आपको इस कार के अंदर मिल जाते हैं कि आप खुद देख कर ना परेशान हो जाओगे। आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक, मतलब यहाँ पे वाइपर के सारे कंट्रोल्स देके रखे हुए, सारी चीज़ें हो जाती है। और साथ ही में आपको ORVM वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया सिस्टम हो जाता है। साउंड सिस्टम भी अच्छा खासा मिल जाता है, और साथ ही में गाड़ी के अंदर आपको रिवर्स कैमरा भी मिल जाता है बेस वेरिएंट से ही लेते हो चलते हुए। तो अगर आप बेस से लेते हो चलते हो ना, तो सबसे मतलब सबसे फीचर लोडेड बेस वेरिएंट आपको मिल जाता है, कह सकते हैं कि वेन्यू के अंदर आपको सबसे फीचर लोडेड बेस वेरिएंट अवेलेबल करवाता है हुंडई। अभी हो जाता है इसका तीसरा प्रो। अब बात करते हैं इसके चौथे प्रो की। तो जो चौथा प्रो हो जाता है इस गाड़ी का, वो हो जाता है फिट एंड फिनिश। गाइज अगर आप कंपेयर करते हो ना टाटा से और अपनी महिंद्रा से, तो इस गाड़ी के अंदर जो फिट एंड फिनिश आपको मिलने वाली है, वो गाड़ियां मैच ही नहीं कर सकती। मतलब कोरियन कंपनी से जो फिट एंड फिनिश आपको मिलती है, आप इस गाड़ी को ना हर जगह से चेक कर लो। अगर आप ना टाटा नेक्सॉन देखते हो, आप शोरूम पर जाकर टाटा नेक्सॉन देखो, शोरूम पर जाकर ना आप XUV 3XO देखो, कंपेरेटिवली जो XUV 3XO और जो टाटा है उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन ये जो गाड़ी है ना हुंडई वेन्यू, इसके अंदर आपको लीग ही अलग हो जाती है। आप एक बार चेक करो उसका इंटीरियर, आपको कहीं से भी ना 1 इंच की भी आगे चीज़ें पीछे चीज़ें नहीं मिलने वाली। मतलब सारी चीज़ें इतनी सॉर्टेड यहाँ पर करके रखी है ना, डुअल टोन इंटीरियर देके रखा है। मतलब पैनल गैप क्या होता है वो हुंडई को पता ही नहीं, मतलब कभी देखे ही नहीं उनने पैनल गैप क्या होता है। तो वो पैनल गैप इस गाड़ी के अंदर आपको मिलने नहीं। वहीं अगर आप टाटा देख लो, टाटा मतलब टाटा को सिर्फ पैनल गैप ही पता है कि पैनल गैप ही होते हैं गाड़ी में, उसके अलावा कुछ होते नहीं। टाटा को ये नहीं पता कि फिट एंड फिनिश क्या होती है, उनको सिर्फ पता है कि पैनल गैप किसको बोलते हैं। मतलब टाटा की गाड़ियां देखो आप, पैनल गैप ही पैनल गैप आपको उसके अंदर मिलने वाले, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको ऐसा कुछ है नहीं, पैनल गैप नहीं मिलने वाले। वहीं अगर महिंद्रा से कंपेयर करें, तो महिंद्रा के अंदर आपको मिल जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम मिलते हैं कंपेरेटिवली टाटा के। तो ये हो जाता है इसका चौथा प्रो। अब बात करते हैं इसके पाँचवें प्रो की। तो सबसे पाँचवा प्रो हो जाता है गाइस, इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू और हुंडई का ट्रस्ट जो इंडियन मार्केट में बना हुआ है। मतलब हुंडई ब्रांड जब से अपना 1.5 लीटर और जब से वेन्यू क्रेटा इन सबको उन्होंने मार्केट में लॉन्च करा है ना, इस गाड़ी का अलग ही मतलब रीसेल वैल्यू, अलग ही ट्रस्ट बन के रखा है कस्टमर्स के साथ। मतलब ना लोगों ना सोचते भी नहीं, अगर मान लो कोई से डीजल गाड़ी लेनी कॉम्पैक्ट एसयूवी में, सबसे पहले मुंह पे आता है नाम वेन्यू का। अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी में डीजल लेनी, अगर आपको फिर मिड साइज एसयूवी लेनी है, तो क्रेटा का। ये जो गाड़ी है ना, और ये जो ब्रांड का ट्रस्ट बन चुका है अपने इंडियन कस्टमर के साथ, वो अनमैच है। मतलब ना अभी तक टाटा इंडियन ब्रांड है, महिंद्रा इंडियन ब्रांड है, लेकिन ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोवाइड कर रहा है हुंडई ट्रस्ट अपने कस्टमर्स को लेके, वो बहुत शानदार से मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर आपको सर्विस एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया से मिल जाता है। सर्विस एक्सपीरियंस की बात करें, तो आपको मिनिमल कॉस्ट में यहाँ पर आपको ना इस गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह हो जाती है। कोई भी एक्स्ट्रा मतलब को ऐसा हाईफाई चार्जेस है नहीं इस गाड़ी को मेंटेन करने का। और साथ ही में जो इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू है, मतलब ना अगर आप कोई अगर आप देख रहे हो, जब से पेट्रोल का चलन कम, मतलब डीजल का चलन कम हुआ, लोगों गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा उठा रहे, रीसेल वैल्यू में ना इन गाड़ियों की कीमत बढ़ चुकी है। अगर मान लो आपने आज से 2016 में वेन्यू 9 लाख रुपए की फॉर एग्जांपल डीजल कोई सी ले ली होगी, तो अगर उसको बेचने भी जाओगे ना, तो आपको 7 लाख रुपए आराम से मिल जाएंगे उस गाड़ी के। इतनी पुरानी गाड़ी होते सोते भी गाड़ियों की रीसेल वैल्यू बहुत शानदार सी हो जाती है। इजी टू मेंटेन कार है, लो मेंटेनेंस वाली कार है, जो कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है अपने सेल्स एंड सर्विस में, आफ्टर सेल्स एंड सर्विस में, सारी चीज़ों में इस गाड़ी से अच्छी आपको रीसेल वैल्यू और सेल्स एंड सर्विस और रिलायबिलिटी मिलने वाली है नहीं। सो गाइज यही थे ऑल न्यू 2024 वाली वेन्यू के प्रोज एंड कॉन्स, 2024 वाली के जितने भी थे सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दी। अगर आप कंसीडर कर रहे हो ना वेन्यू के, तो इसके अंदर आपको मैंने खामियां बता दी और साथ ही में इसकी अच्छाइयां भी बता दी है। नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी, रिफाइनमेंट वगैरह। और एक और बार चेक कर लो आप,
25 का एवरेज दे रही है यहाँ पे गाड़ी, मतलब 25 लीटर का 25 किलोमीटर पर लीटर ये गाड़ी चलने वाली है भाई। पेट्रोल तो गलती से भी मत ले लेना अगर आप सोच रहे हो कि आपको मतलब एफिशिएंसी मिल जाएगी। 25 तीन मतलब एफिशिएंसी के नाम क्या होता है ये देखो, गाड़ी ये एफिशिएंसी क्या प्रोवाइड कर रही है, जो कंपनी क्लेम करती है उससे ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है। टाटा नेक्सन और 3XO तो कभी इतने पास आए भी ना जो ये गाड़ी एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रही है। तो गाइस एक बार अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस गिलर आयुष को। धन्यवाद।